क्या नाम है चाचा आपका? कैलाश। तो जो कल जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिस जिन्होंने आपके बेटे रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी, और उसमें से दो लोग जो मेन मुख्य आरोपी सरफराज है वो हांडा बसेरी नानपारा के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, उसका भाई जो है आलिफ भी घायल हुआ है, तो और उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, मतलब उनका इलाज चल रहा है, तो आप क्या पुलिस की ये कार्रवाई जो भी है इस पर आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट नहीं है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आप चाहते हैं कि जिस तरह से जिस बेरहमी से आपके बेटे की हत्या की गई उसके एवज में या उसके आधार पर ये मतलब जो दंड है ये बहुत कम है, मतलब इस हिसाब से जिस बेरहमी से उन्होंने राम गोपाल की हत्या की वो उसकी सजा ये सही नहीं है, इससे बड़ी सजा होनी चाहिए। आप संतुष्ट नहीं है, मतलब कल से आप लोग परेशान हैं ये सुनकर। जैसे पांच लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है, जिसमें चार नामजद हैं, अब्दुल हमीद को ले लिया गया है, उनके तीनों लड़कों को सरफराज, तालिब और फहीम, और मोहम्मद कल्लू जो है वो भी लिया गया है, जो चांदबारा के प्रधान पति हैं, प्रधान के पति हैं, उनको भी जो अपराधियों को संरक्षण देने के अपराध में हिरासत में लिया गया है। अभी आपको क्या लगता है कि इतने ही लोग इसमें साजिश में थे कि और भी लोग हैं? साजिश में तो और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात गुप्त तो है, ये बात आई तो नहीं आती है। जी जी, किसका मदद करें? हाँ, जो एफआईआर लिखी गई थी घटना के बाद उसमें जो है ये लिखा गया था कि उसमें छह लोग नामजद थे और चार अज्ञात थे, तो मतलब आप लोगों ने ये एफआईआर कराई थी, किसने कराई थी, मतलब किसने बताया था हम लोगों को? जैसे आप और भी लोग हो सकते हैं शामिल हों, तो ये कैसे आइडिया था कि वही चार लोग और दो लोग शामिल हैं? खुलासा यही हुआ कि उनके यहाँ मारा गया था, उनको और उन्हीं लोगों ने मारा और गवाही की जरूरत क्या है जो हमारा भतीजा को देता? हाँ, नहीं नहीं सही कह रहे हैं, दूसरी गवाही की जरूरत नहीं, नहीं, लेकिन ये मतलब सुनने में आ रहा है, कई लोगों ने जांच में भी पाया है कि जो वहाँ छतें थी वहाँ पे पहले से ही पत्थर और कांच की बोतलें हाँ मौजूद थी, क्या मतलब पहले से ही ये साजिश की गई थी? आपको क्या लगता है ये पहले से साजिश की गई थी? साजिश की गई थी, और उसका हिसाब ये है कि महाराज के पास कोई भी दिन नहीं होता है हिंदुओं का, तो मुसलमान लोग जो है वो सतर्क रहते हैं और अपने औजार से हर वक्त तैयार रहते हैं इंतजार में कि अगर कहीं भी खुजराज की आवाज आएगी तो मार देंगे। तो आप क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना साथ दिया किया है, उन्होंने मदद भी की है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या चाहते हैं कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहा था उनसे मुख्यमंत्री जी ने, यही कहा था और वादा भी किया था, लेकिन जब यहाँ के जो मौके की पुलिस है वो उनके साथ व्यवहार कर नहीं रही है, हर्दी की पुलिस समझो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ की जो है वो अपने काम में कहीं लापरवाही बरत रही है, लापरवाही बरत रही है, आपका ये कहना है कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जैसा कि आप चाहते थे? अच्छा, तो मतलब आप जैसे पांच लोग पकड़े जा चुके हैं, अभी और लोग भी मुख्य आरोपी तो पकड़ा जा चुका है, तो आप मतलब इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि से लिए नहीं है, आप बताइए अगर खेत में क्या आदमी पकड़ा जाएगा और मारा जाए तो फिर गोली चलाई चलाई जाएगी तो क्या नीचे ही होगी फिर आप आ जाएगी। अच्छा, नहीं ये क्या होता है वहाँ से जान के मारा हो कि जैसे वो होता है कि कमर के नीचे ही गोली चलाइए? हाँ, वो बात मानते हैं, लेकिन ये बताइए कि दोनों आदमियों की गोली लगी तो क्या नीचे यहाँ पर ही लगी? जान बचाने के लिए ही मारी गई? अरे उनको तो आदमी का कोई होता ही नहीं है, मतलब संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि और कोई कार्रवाई की जाए? कोई कार्रवाई की जाए
और अगर मिलके नहीं, वैसे जो जिले की एसपी हैं वृंदा शुक्ला जी, उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, रास्ता लगाया जाएगा अपराधियों पर जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, और प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है कि मतलब जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है हो। लेकिन आप मतलब चाहते हैं कि उनको जिस हिसाब से बेरहमी से उन्होंने हत्या की है उसी हिसाब से उनको दंड मिलना चाहिए। जो मौके पर पुलिस थी उससे हम संतुष्ट हैं। कौन सी पुलिस जो वहाँ थी? जो वहाँ पर थी, अरे हरदी थाने की पुलिस जो है वो मुझे क्या मतलब। हाँ, जो वहाँ मतलब जिन्होंने पकड़ा मौके पर जो पकड़ी, अच्छा उससे संतुष्ट हैं। ये क्या नीति है जो गलती हुई है भारतीय में तो बराबर ही करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।